प्रदेश के पूर्व मंत्री व्यासजी गोंड ने मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार में आदिवासियों की जमीन छिन रही है, आदिवासियों पर पेशाब किया जा रहा है। भाजपा नेताओं द्वारा मध्य प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश लगातार अपराध की श्रेणी में आता जा रहा है। मध्य प्रदेश में बेरोजगार चरम सीमा पर है। सपा सरकार अगर मध्य प्रदेश में बनती है तो वे बेरोजगारी खत्म करेंगे, आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको खत्म करेंगे। समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोग सभी चैनलों के बधाई। पहला कांड हुआ था सिद्धी में आदिवासियों पर, सिद्धी में आदिवासियों पर वहां के विधायक के प्रतिनिधि शुक्ला जी एक आदिवासी के शरीर पर पेशाब किए, पेशाब के वो चला टीवी चैनलों पर। इसके आदिवासियों के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस नाते हम वहाँ गए, उसके घर गए। हम घर जाने पर पता चला तो घर में है, बाहर पुलिस खड़ी थी, किसी तरह बाहर उसको निकलवाए। हम निकाल आया, आने पर कहा तो हमारे शरीर पर पेशाब किया गया है मगर पुराना है। फिर कहा तो हमको मुख्यमंत्री जी बुलाए थे, भोपाल हम गए थे, हमको 6.5 लाख रुपए के चेक दिए हैं, 1.5 लाख के चेक दिए हैं, 1.5 लाख के चेक दिए हैं। आज कहें तो कह देना तो हम कुछ नहीं जानते, हम नाफाक में थे तो हमारे शरीर पर पेशाब कर दिए। तो ये बात कहा तो वो बताइए, आदिवासियों पर शरीर पर पेशाब कर दिया जाए, अब भाजपा सरकार पैसा दे के वो दबा रही है, ये आदिवासियों के अधिकार छीना जा रहा है, सब चीज छीन लिया गया इस सरकार में, अधिकार तो एकदम खत्म हो गया। अभी जमीन के बारे में देख ही रहे हैं, जमीन आदिवासियों के बड़े बड़े कंपनी वाला ले लिए, कुछ पैसा दिखा के दारू पिया के ले लिए। वही कांड सिद्धि में जो हुआ, इसके लिए हम धरना प्रदर्शन वहाँ किए, डीएम ने स्वीकार किए तो हाँ इसके साथ अत्याचार हुआ है आदिवासी के साथ। हम इनका मुआवजा जो बनता है मुआवजा देंगे। आइए, हम खेत अफसोस करते हैं तो इनके साथ हुआ। यह फिर अभी चल ही रहा था, यह घटना अभी चल ही रहा था टीवी चैनल पर आप लोगों के माध्यम से, तो दूसरा घटना आ गया झबुआ के। झबुआ में एक 8 बरस के लड़की, पढ़ने वाली लड़की के साथ वहां के एसडीएम द्वारा छेड़खाने किया गया। ये दूसरा न्यूज चलने लगा, रोज एक न्यूज चलता है। आदिवासियों पर तो इतना आपत पड़ गया है तो पूछिए मत, रोज आदिवासियों के साथ बहन बेटी के साथ छेड़खानी, आदिवासियों के जमीन उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों के घर उजाड़ा गया जा रहा है। अभी एक वहाँ सिद्धी में हुआ, अभी आज आए हम भोपाल, भोपाल में कई लोग बताए तो नहीं, यहाँ हम आदिवासी नेता से मिल के आ रहे हैं, कहे तो ब्याज जी हम लोग क्या करें, हम लोग पार्टी के सरकार में हैं, हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा था आदिवासियों, आदिवासी अत्याचार हो रहा। आप क्या चाहते हैं, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी यह चाहती है तो आदिवासी के अधिकार देगी। जब सरकार बनेगा, हम बनाने जा रहे हैं सरकार, चुनाव बाद हमारा सरकार बनने जा रहा है, जब चुनाव सरकार बनेगा तो आदिवासियों का अधिकार देंगे, पढ़ने के लिए आदिवासियों के बच्चे के लिए विद्यालय खोलेंगे, उनके कृषि के लिए 5 एकड़ जमीन हम देंगे पट्टा, घर बनाने के 2500 स्क्वायर फुट में 2 कमरा बना के उनके आवास देंगे। आदिवासियों के सबसे अधिक हम दिए उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी आदिवासियों को देंगे। आदिवासियों को उत्तर प्रदेश में 22 वाट पुलिस बनाए हैं, और शिक्षा विभाग में 965 बनाए हैं, बाबू टीचर चपरासी।